नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज, आइए नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के उपमुख्य मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लोकसभा डुमरियागंज के भाजपा प्रत्याशी जगदम्बा पाल के लिए जनता से मांगा समर्थन। जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी माघ मेला मैदान में लोकसभा डुमरियागंज भाजपा के प्रत्याशी जगदम्बा पाल द्वारा चुनावी जनसभा किसान सम्मेलन के रूप में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा रहे। किसान सम्मेलन में भाजपा प्रत्याशी जगदम्बा पाल एवं पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा उप मुख्यमंत्री का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद आबकारी मंत्री राजा जय प्रताप द्वारा उप मुख्यमंत्री का अभिवादन करते हुए जनता से पुनः कमल खिलाने की अपील की। इटावा विधायक डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने जनता के सामने कहा, इस बार मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाए तो देश प्रदेश का विकास होगा। वही दिनेश शर्मा द्वारा कांग्रेस पर निशाना साधा गया और कहा कि इस हाथ का साथ नहीं देना, क्योंकि इस हाथ ने लूटा खसूटा भ्रष्टाचार और बर्बाद किया है, इसलिए इससे बचे। और यह भी कहा कि हमारी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है, किसानों का फसल मुआवजा दिया है, किसान सम्मान योजना से सबके खाते में 2000 दिए हैं। गठबंधन में सपा बसपा को एक दूसरे के खिलाफ बताया। इस किसान सम्मेलन में चुनाव प्रभारी डुमरियागंज दुर्गा राय, इटावा विधायक सतीश द्विवेदी, आबकारी मंत्री राजा राय प्रताप, जिला अध्यक्ष लालजी त्रिपाठी सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता व सम्मानित जनता मौजूद रहे। तो क्या कहना आपको? कुछ नहीं कहना है, ये पहले महागठबंधन था, बाद में महा हट गया, फिर गठबंधन रह गया। अब इसका गठ जो है, गांठ है, वो खुलने वाली है, क्योंकि सपा का कार्यकर्ता बसपा के खिलाफ है, बसपा का कार्यकर्ता सपा के खिलाफ है। आज ये देवबंद से प्रारंभ कर रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। योगी जी ने सहारनपुर से वो शुरू किया था शाकंभरी देवी जी की पूजा करके। अब हमारा और हमारा लक्ष्य ये है, हम सबको साथ में लेकर चले। हम उत्तर प्रदेश में जो बड़े नेता हैं अमेठी से भागकर अब कहाँ पहुँच रहे हैं, ये आप सब जान रहे हो कि कहाँ गए हैं, किस लिए गए हैं, क्यों लड़ने के लिए गए हैं। कुछ लोगों की नीति है कि इस प्रदेश को जात में बांटो, धर्म में बांटो और मिलने का एक नाटक करो। तो मुझको लगता है सब मिल जाए, और मिलने के बाद अगर इनको और ना मिले तो और दो चार दस दल मिल जाए, उसके बावजूद बीजेपी जीतेगी और 74 का आंकड़ा पार करेगी। सर, आप शिक्षक भी हैं, क्या पप्पू पास होगा बता? नहीं, मैं इस शब्दों का प्रयोग नहीं करता, और मैं किसी के लिए शब्दों का प्रयोग पप्पू पास होगा नहीं होगा ऐसी भाषा मेरी नहीं है। मेरा खुद का नाम भी पप्पू है, तो मैं ऐसी बात का नहीं बोलता। सर, मैं इतना कह सकता हूँ कि मोदी जी को फेल करने वाला कोई नहीं है, और मोदी जी 100% रिजल्ट निकालने पर विश्वास रखते हैं, और मोदी जी अपने कामों के आधार पर लड़ रहे हैं। विपक्ष के पास में विकास का मुद्दा नहीं है, इसलिए विकास हताश निराश होकर अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर रहा है। कभी मोदी जी को नीच कहता है, कभी योगी जी को नीच कहता है, कभी मोदी जी को हत्यारा कहता है, कभी मोदी जी को चाय वाला कहता है। पिछले बार कहा था तो उसका परिणाम भुगतना पड़ा, अब की बार योगी जी को कहा है तो मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, जनता जवाब देगी। सिद्धार्थनगर से संतोष गुप्ता की एक रिपोर्ट।